और ये आजकल के छोटे छोटे बच्चों पे आप क्या कहना चाहोगे? आज की जनरेशन जो नया यूथ है हम लोगों का, वो तो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। सिगरेट और दारू तो हम तो देख रहे हैं 12-12, 13-13 साल के। हैप्पी होली दोस्तों। आपने बहुत जगहों की होलियाँ देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको उत्तर प्रदेश में स्थित बाराबंकी जिले की होली दिखाऊंगा, जो कि एकदम मज़ेदार होगी। यहाँ पे किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म संप्रदाय का कोई मतलब नहीं होता है। सभी लोग मिलके बहुत ही जोर शोर से होली को मनाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बाराबंकी की होली दिखाऊंगा। तो अभी टाइम है होलिका दहन का, आप देख सकते हो। अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जब होलिका दहन वाला होने वाला होगा तब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओम पदोमम। दोस्तों, रात के लगभग 1:30 बजे का समय है और होलिका दहन हो गया है, और मेरी यही कामना है कि आप सभी के जो भी कलेश हैं, जो भी दुख दर्द हैं, वो सारे आज होलिका दहन में ही दहन हो जाए और आपका जीवन आज से एकदम सुखमय और आनंदित हो जाए। तो गाइस, आप देख सकते हो कि होलिका दहन हो गया है और इस तरीके से हम लोग के यहाँ पूजा होती है, मतलब मंत्र होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। पूरा मंत्र पढ़े जाते हैं, पूजा की जाती है, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है और फिर होलिका दहन होती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ होलिका सेलिब्रेट की जाती है, होलिका दहन सेलिब्रेट किया जाता है और ऐसे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर सब होता है। तो अभी तो रात के 1:30 बज रहे हैं, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। और वीडियो पे बने रहिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो गाइस, अभी हम लोग को प्रसाद भी मिल गया है, सो अभी पूरी तरीके से फंक्शन जोरों शोर से चल रहा है। और ये हमारी बिटिया रानी है, माई सिस्टर है, जो अभी रिसेंटली आई है हमारे घर में, मेम्बर है। अभी कुछ लोग को पता होगा तो हमारे घर में नया मेम्बर आया है, हमारी बहन है। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी होली। भी 7:33 सुबह के हुए हैं और आज 18 तारीख है, मीन्स 18 मार्च है। सो गाइस, आज की जो व्लॉग होगा, कल का मैंने आपको दिखाया था होली का दहन वगैरह दिखाया, तो आज पूरी होली मैं आपको दिखाऊंगा। आपने होली तो बहुत जगह देखी, लेकिन आपने बाराबंकी की होली भी तक नहीं देखी, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे होली का दहन हुआ था, वहाँ अभी जा रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ, तो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलो, लगाओगे? लगा दे लगाए, बोलो लगाए। हैप्पी होली। और बस और बताओ बताओ, और बोलो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो इधर देखो। अच्छा है,
अच्छा है, कितना अच्छा है बताओ। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा है। दद्दा को बताओ, दद्दा कहाँ है इसमें, देखो साहब। और लगाए और क्या लगवाओगी, क्या लो हमारा लगाओ, फिर से लगाओ, ले लो और ले लो, लो लो लगाओ। वाओ 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 वाओ। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। और 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 लगवाना है अभी, इसको भी और चाहिए, वो अपने हाथ लगा रही है। वाओ वाओ, और लगाओ और लगाओ। दोस्तों, हम बाराबंकी के धनोखर चौराहे पे आ गए हैं। यहाँ पे बाराबंकी का सबसे बड़ा होली सेलिब्रेशन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग होली जश्न के साथ मनाते हैं। आपके सामने दृश्य है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम आ चुके बाराबंकी ज़िले के देवा शरीफ में, जहां बाबा श्री हज़रत अली वारिस शाह जी की दरगाह है। उनका कहना था राम ही रहीम है, अर्थात राम रहीम एक ही हैं। तो इस मज़ार पे, या विश्व की एक ऐसी मज़ार है जहां पर हिंदू मुस्लिम साथ में रंग खेलते हैं, एक साथ नारे लगते हैं और यहां पे कोई भेदभाव नहीं होता। आप देख सकते हैं यह विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, और अपनी पूजा अर्चना श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर पूजा करते हैं। आप इसकी डेडिकेटेड वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, देवा शरीफ की मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चलिए आगे का देखते हैं। दोस्तों, मैं लखनऊ आया था, अब लखनऊ से लौट रहा हूँ। लखनऊ में मैं यहाँ चिन्हट तक आया था और बाकी सब जगह मैं लखनऊ में घूमा और देखा, बहुत ही शांत माहौल था। हाँ, ये हो सकता है कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा शोर शराबे से होली हो रही है। आप रोडों पे देख सकते हैं, बीडी का सीन है और बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे। रोड एकदम सन्नाटे में है और बहुत ही शांत माहौल है इस जगह का। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बताया था कि आज मैं आपको पूरी होली दिखाऊंगा, तो मैंने आपको हर जगह की होली दिखाई, बाराबंकी से लखनऊ तक का दिखाया। लेकिन गाइस, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो कि मुझे आज बहुत ज़्यादा खल गई है। मैं हर बार होली में देखता आया हूँ कि लोग होली के दिन पी के रोडों पे हुड़दंगे मचाते हैं। मतलब 11-11 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, जो शुद्ध से अभी, अब अगर सही से पूछ लिया तो उनको अपने खानदान में पूरे लोगों का भी नाम नहीं पता, वो पी के रोड पे गाली गलौज करते चल रहे हैं, गाड़ी को उड़ा रहे हैं। ये सब मुझे बहुत गंदा लग रहा है और मैंने सोचा बाराबंकी का छोड़ के बाद लखनऊ का भी माहौल देखते हैं, क्योंकि लखनऊ अपनी राजधानी में आती है, तो वहाँ का प्रशासन कैसा है।
मैंने आपको फ़ोन आपको वीडियो में दिखाया, मतलब कहीं पे भी पुलिस वगैरह तो मुझे नज़र ही नहीं आई। मतलब जिसको जिस तरीके से मन कर रहा है उस तरीके से लड़ाई कर रहा है रोडों पे, गाड़ी चला रहा है, एक दूसरे को छेड़ रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। मतलब एक तरीके से बहुत ही घटिया माहौल था और इसीलिए मेरा मन नहीं करता अब तो इस त्यौहारों में बाहर निकलने का। अभिनव भाई क्या कहना चाहोगे? मुझे भी यही सबसे ज़्यादा अजीब लगा कि आज किसी भी चौराहे पर एक भी पुलिस नहीं दिखाई पड़ी। कम से कम अगर एक भी पुलिस होती तो आम आदमी में थोड़ा बहुत खौफ तो होता कि हाँ अगर गाड़ी उल्टी सीधी चलाएंगे तो फंस सकते हैं, चालान हो जाएगा। गाड़ी की स्पीड कितनी थी? गाड़ी की स्पीड अगर मीटर ना हो तो हमको लग रहा पता ही ना चले कितना। देख सकते हो पीछे गाड़ी वहाँ की रफ्तार, देख सकते हो पीछे गाड़ी वहाँ की रफ्तार। और ये आजकल के छोटे छोटे बच्चों पे आप क्या कहना चाहोगे? आज की जनरेशन जो नया यूथ है हम लोगों का, वो तो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। सिगरेट और दारू तो हम तो देख रहे हैं, 12-12, 13-13 साल के लड़के हो रहे हैं जिनको हमको लग रहा है ठीक से अपना नाम भी नहीं पता होगा अगर पूछ ले अगर इंग्लिश में। लेकिन कितना ज़्यादा देखे चौराहों पर डांस करते हुए, डीजे एकदम लाउड नॉइस पे बुलेट की फट फट वाली आवाज़ निकालते हुए, और सही से पढ़ना नहीं आता, चाहे वो फेलियर हो अपने क्लास के, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। यही कहना चाहेंगे कि होली के दिन जो आम जनता रोड पे ना ही निकले तब भी सही, क्योंकि वो सेफ ही नहीं है। सेफ है ही नहीं, कोई भी कहीं से भी आके ठोक देगा। हाँ। आज हम भी खड़े हुए थे, आके हमारी गाड़ी में कोई भिड़ गया। सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी का हालत दिखाता हूँ। गाड़ी हमारी खड़ी थी, एक लोग हम लोग तो चले गए थे पेप्सी लेने, गाड़ी फाड़ दिया बंदे ने, गाड़ी को गिरा दिया था। आप देख सकते हो स्क्रैच वगैरह आ गया। फिलहाल तो इतना ज़्यादा नहीं कुछ ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन गाड़ी को पूरा का पूरा गिरा दिया। और किसी को जाओ छेड़ो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करो, क्या मतलब इस चीज़ का यार? अपनी होली अपने हाथ सेलिब्रेट करो, अपने में मज़े करो, ये लाइफ है। एक दूसरे को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है, है ना। हे प्रभु, इस दुनिया को इस कलयुग से बचाओ और लोगों को सद्बुद्धि दो। जय बजरंगबली। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा और आप ही लोग से भी यही गुजारिश है कि अगर आपके कोई जानने में ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उनको समझाओ कि दारू वारू का ये रीति रिवाज हटा दीजिए और रंग केवल खेलिए, बहुत ज़्यादा हो तो सॉफ्ट ड्रिंक पीजिए, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक। हम लोग तो सिंपल वाले बंदे भाई, सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक में ही काम चला लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और आजकल जो ये चल रहा है अपने देश में अपने युवाओं के बीच, उस पर आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगेन आप सभी को हैप्पी होली, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही देश का अच्छे तरीके से नाम रोशन करिए, ना कि एक दूसरे को बिगाड़ने में लगे। जय हिंद, जय भारत।